प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। पिछले 4 हफ्तों से हम 10 आज्ञाओं का अध्ययन कर रहे थे और आज ये 5वां अध्ययन है। 5वें अध्ययन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि 10 आज्ञाएं तो पुराने नियम के विश्वासियों के लिए दी गई थीं और नए नियम के विश्वासियों के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। ये एक बहुत भारी गलतफहमी है। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपने बच्चों को व्यवस्था लॉ की पुस्तकें दी, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, तब उनमें दी गई बहुत सारी बातें निश्चित रूप से पुराने नियम के विश्वासियों के लिए थी, लेकिन कई बार गलत फहमी में लोग ये कह जाते हैं या सिखाते हैं कि पुराने नियम की व्यवस्था में जितनी बातें हैं वे सब सिर्फ पुराने नियम के लोगों के लिए है या इसराइलियों के लिए है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। आज चूंकि कई लोग पहली बार आए हैं, इस कारण इस विषय में मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं और उसके बाद अपन 10 आज्ञाओं तक पहुंचेंगे। याद रखें, 10 आज्ञाएं अपने आप में इतना अति विशाल विषय है कि 5 या 6 क्लास में ये खत्म नहीं हो पाएगा। हम एक एक करके 10 आज्ञाओं को कवर करते चले जाएंगे और जितने हफ्ते लगेंगे उतने हफ्ते हम इस विषय को समर्पित करेंगे, जिससे कि ये विषय समझ में आए तो ऐसा समझ में आए कि रात को सोते में पूछे तो भी सही जवाब दे सकें, और ये गलत बात कभी ना बोलें कि 10 आज्ञाएं सिर्फ पुराने नियम के विश्वासियों के लिए है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। दरअसल व्यवस्था, परमेश्वर ने यहूदियों को जो व्यवस्था दी थी उसके 3 खंड हैं, और कई बार जब लोग व्यवस्था 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 या अंग्रेजी में लॉ बोलते हैं तो वे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि व्यवस्था के 3 खंड हैं। ये साफ साफ जानना जरूरी है। व्यवस्था का पहला खंड यहूदियों के सामाजिक जीवन से संबंधित था। जैसे तुम यदि मकान बनाओ तो उसकी छत पर मुंडेर बनाना ना भूलना। यदि छत पर मुंडेर नहीं बनाओ और यदि कोई व्यक्ति छत पर चलता हुआ मुंडेर ना होने के कारण छत से नीचे गिरकर मर जाए तो तुम्हारा प्रभु यहोवा उसके खून का बदला तुमसे लेगा। ये भी लिखा हुआ है कि 2 मिश्रित जानवरों को हल में जोतकर खेती ना करना। ये भी कहा गया है कि मिश्रित वस्तुओं को मिलाकर कपड़े मत बनाना। ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने यहूदियों को जो व्यवस्था दी थी उसका खंड 1 या भाग 1 है, जो यहूदियों के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता था। किसी भी समाज में, खासकर और किसी राष्ट्र में, जब लोगों की संख्या
हजारों से बढ़कर लाखों और 10 लाखों में हो जाती है तो उनको नियंत्रित करने के लिए नियमों की जरूरत पड़ती है। यहूदी लोग मुश्किल से 470 के करीब थे जब वे लोग यूसुफ के समय मिस्र देश में पहुंचे थे, लेकिन 70 थे, और लगभग 400 साल के बाद जब वे लोग वहां से निकले तो उनकी संख्या 20 लाख के करीब थी। 40 साल मरुभूमि में यात्रा करके जब वे लोग कनान देश पहुंचे तो उनकी संख्या 20 लाख से भी ज्यादा, निश्चित रूप से 20 लाख से अधिक हो गई होगी। इस तरह से एक बहुत बड़े राष्ट्र को जब प्रभु एक अति विशाल देश में सेटल करते हैं तो वहां सामाजिक नियम जरूरी है। अपने यहां भी सामाजिक नियम जरूरी है या है। जनरली अपन उनको कानून कहते हैं। जैसे सड़क पर गाड़ियां सिर्फ लेफ्ट साइड पर चलाई जाएंगी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के बाहर कई देश हैं जहां गाड़ियां राइट साइड पे चलती हैं, लेकिन अपने देश में लेफ्ट साइड पे चलती है। ये कानून है और इस कानून का आप लंघन करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जुर्माना होगा। और यदि कानून का लंघन करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है और यदि जिसके साथ दुर्घटना हुई है वो हर्जाने की मांग करे तो वो जितना मांगेगा उतना हर्जाना उसको दिए जाने की संभावना है, क्योंकि आप गलत रास्ते पर, जहां लेफ्ट जाना है उसके बदले राइट साइड में जाकर आपने दुर्घटना को जन्म दिया। जनरली दुर्घटना का मतलब होता है वह घटना जो अनजाने घटती है, लेकिन लेफ्ट साइड के नियम का लंघन करके आप राइट साइड पे गए, जिसका मतलब है कि यह आकस्मिक नहीं हुआ है, लापरवाही के कारण हुआ और इसलिए उसकी सजा बहुत भयानक होगी। यहूदियों को परमेश्वर ने जो सामाजिक व्यवस्था दी थी उसमें भी इसी प्रकार के तमाम तरह के प्रावधान थे। और इस कारण मैं याद दिलाना चाहता हूं व्यवस्था का खंड 1 यहूदियों के सामाजिक जीवन से संबंधित है, और चूंकि हम लोग यहूदी नहीं हैं, इस कारण व्यवस्था का खंड 1 हमारे ऊपर लागू नहीं होता। नए नियम के विश्वासी जब ये कहते हैं कि हम व्यवस्था से परे हैं तो इस बात को याद रखें कि इस तरह से सोचे समझे बिना ना बोलें, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए कि यहूदियों को जो व्यवस्था दी गई थी हम उसके एक खंड 1 से परे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि यहूदियों को परमेश्वर ने जो सामाजिक व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था में बहुत सारी बातें थीं जो अन्य समाज के लोगों के लिए उपयोगी हैं, और इस कारण जो उपयोगी चीजें हैं हम उनकी उपेक्षा ना करें, इस बात को याद रखें। यहूदियों को जो व्यवस्था दी गई थी निर्गमन, लेविया, गिनती और व्यवस्था विवरण में उसका खंड 2 है। खंड 2 में यहूदियों को देवालय में किस तरह से आराधना करनी है और आराधना करते समय किस तरह से बलिदान चढ़ाने हैं, मन्नत चढ़ाने हैं और अपने आप को पवित्र रखना है, और संयोग से यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से अशुद्ध हो गया है तो उस अशुद्धि से वह किस तरह से मुक्ति पा सकता है, ये सारी बातें व्यवस्था के खंड 2 में है, जो उनके जीवन से, आत्मिक जीवन से संबंधित आचार संहिता है। क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं करना है, और किन चीजों को स्पर्श करने पर कोई व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, ये सारी बातें। उसके अलावा बलिदान वगैरह किस तरह के चढ़ाए जाने हैं, 7 प्रकार के बलिदान थे जिसके बारे में हम इस पोर्शन में पढ़ते हैं। तो यहूदियों की जो व्यवस्था है उसका खंड 2 बलिदान, मन्नत, आत्मिक शुद्धि और अशुद्धि आदि से संबंधित है।
ये भी गैर यहूदियों के ऊपर लागू नहीं होते, बल्कि खंड दो में जिन बलिदानों के बारे में कहा गया है उन बलिदानों को प्रभु यीशु ने सूली पर के अपने बलिदान के द्वारा पूर्ण किया। इस कारण वे बलिदान बिल्कुल भी हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन एक बात मैं याद दिला दूं, व्यवस्था का एक तीसरा खंड है। इस तीसरे खंड में शाश्वत नियम, जिन नियमों को शाश्वत नियम कहा जा सकता है, ऐसे नियम हैं। आप पूछेंगे कि शाश्वत नियम क्या है? शाश्वत नियम क्या है? शाश्वत का मतलब है जो सदा सर्वदा प्रभावी है। एक्चुअली ये जो शब्द शाश्वत है, इसको इवन गैर मसीही लोग समझते हैं। वे नियम जो हर समय, हर काल और हर समाज के व्यक्ति पर लागू होती है, सिर्फ मसीहियों के ऊपर नहीं, इवन गैर मसीहियों के ऊपर लागू होती है। गैर मसीही लोग भी जानते हैं ये जो शब्द है शाश्वत नियम। इसे पहली बार मैंने एक गैर मसीही से सुना था। एमएससी करने के तुरंत बाद मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, मेरे भाई बहन पढ़े थे उसी स्कूल में, लेक्चरर के रूप में काम करने लगा था। मेरे प्रिंसिपल घोर मार्क्सवादी, जो ना तो धर्म को मानते हैं ना परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन था बहुत आदर्शवादी व्यक्ति और बेहद ज्ञानी व्यक्ति। उन्होंने मुझे पहली बार बताया, जॉनसन तुम और मैं बहुत सारी बातों में एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, लेकिन इस समाज में कुछ शाश्वत नियम है। इन नियमों के बारे में यदि हम आपस में चर्चा करें तो हम दोनों को ही फायदा होगा। तुम जो घोर आस्तिक हो और मैं जो घोर नास्तिक हूं, हम दोनों के बीच में जो चीज कॉमन है वो है शाश्वत नियम। इसलिए आओ अपन इन शाश्वत नियमों की चर्चा करें। हम लोग अक्सर शाम को बैठकर चर्चा करते थे या स्कूल से साइकिल चलाते हुए घर जाते थे, तब इन शाश्वत नियमों के ऊपर चर्चा करते थे। तो शाश्वत नियम का मतलब है वे नियम जो समय, काल, समाज और देश के भेद के बिना हर समाज में, हर युग में प्रभावी है। परमेश्वर ने पुराने नियम में जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था का खंड तीन शाश्वत नियमों से बना हुआ है। वे आज भी प्रभावी है। इस कारण कोई भी भाई या बहन जल्दबाजी में ये न कहे कि अरे हम व्यवस्था के नीचे नहीं है या व्यवस्था के अधीन नहीं है। यह गलत बात है। हम व्यवस्था के खंड एक के अधीन नहीं है क्योंकि वो यहूदियों की सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था के खंड एक से हमको बहुत सारी बातों में ज्ञान मिलता है, अंतर्दृष्टि मिलती है। उस अंतर्दृष्टि को हम कभी भी नजरअंदाज ना करें। नंबर दो, व्यवस्था का जो धार्मिक पहलू है, रीति रिवाज या जो कर्म कांड है, हिंदी में उसके लिए सही शब्द कर्म कांड है, कर्म कांड से संबंधित जो व्यवस्था के नियम है वे पूर्ण रूप से हटा दिए जा चुके हैं और हमारे ऊपर प्रभावी नहीं है। लेकिन व्यवस्था का खंड तीन जो कि शाश्वत नियमों के बारे में बोलता है, वो सारे समाज में, हर समाज में इतना अधिक प्रभावी है कि मेरे नास्तिक प्रिंसिपल भी इस बात को जानते थे कि शाश्वत नियम
हमको मानना जरूरी है और शाश्वत नियम समाज को दिशा देते हैं। आइंदा जब हम व्यवस्था के बारे में बोलें तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि व्यवस्था के खंड 3 को नकारने की कोशिश ना करें, बल्कि बार बार ये बात याद दिलाएं कि व्यवस्था का खंड 3 जो कि शाश्वत नियमों को बताता है, उसको उनको मानना हमारे लिए जरूरी है। और यदि हम खंड 3 की उपेक्षा करेंगे तो हम अपने स्वयं के आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देंगे। इस कारण जो माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको मैं याद दिला दूं, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि ब्रदरन मूवमेंट, ये आंदोलन जब से चालू हुआ है तब से ब्रदरन परिवारों की कुछ आदतें थी जो अब लुप्त हो रही हैं, लेकिन जिन्हें वापस लाना हम सब के लिए जरूरी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ब्रदरन समूह में जो युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे युवा पीढ़ी है, उनमें से कई लोग इसे वापस अपने परिवार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक आदत यह है, बचपन से बच्चा पैदा हो उसके पहले ही प्रभु के वचन से उसको तामील शिक्षा देना वो लोग स्टार्ट करते हैं। माँ के उदर में जब बच्चा होता है तब से माँ और बाप प्रभु के वचन के गाने गाकर उसको सुनाते हैं, वहां से उसकी तामील, उसकी ट्रेनिंग चालू होती है। ये ब्रदरन लोगों की एक आदत थी और हमें ये आदत यदि हमारे परिवारों में नहीं है तो वापस लाना होगा। दूसरी एक आदत थी कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ डैडी जब वो बोल सकता था या बोलना चालू करे तभी से उसको प्रभु के वचन के पदों को याद दिलाते थे। आप सोचेंगे कि इससे तो बच्चे के सर पे बहुत भार हो जाएगा। जी नहीं, ये देखा गया है कि बच्चा जितना अधिक प्रभु के वचन को याद करता है उतना ही अधिक उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती चली जाती है। जंग लगा हुआ दरवाजा पहली बार जब आप खोलते हैं तब वो मुश्किल से खुलता है, आवाज करता है, लेकिन जब आप उसको बार बार खोलते बंद करते हैं तो वो दरवाजा बड़े आसानी से खुल जाता है, आवाज करना बंद कर देता है। इसी तरह से जब हम अपने बच्चों को प्रभु के वचन के पद याद दिलाएंगे तो जो पद हमको उनको याद करवाते हैं वे उनको जीवन भर मार्गदर्शन देते रहेंगे। यदि उनमें से कोई भटक भी जाए, भटक जाते हैं, अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे भटक जाते हैं, आदम और हव्वा जो परमेश्वर से मुखामुख बातचीत किया करते थे वे यदि शैतान के फंदे में फंस गए तो मेरे आपके बच्चे तो कहीं नहीं लगते, भटक जाए। इसके बावजूद यदि प्रभु का वचन उनके मन में है तो वो वचन उनसे बात करेगा, उनके दिलों को कुरे देगा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार आए हैं, आज का लगभग 15 के करीब नए लोग आए, उनको मैं याद दिला दूं, मैंने पिछले हफ्ते ये बात बताई थी कि मैं इस समय केरल में जिस मंडली में हूं, इस मंडली में बच्चों को प्रभु का वचन याद दिलाने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। और इस कारण इस मंडली में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 1000 से ज्यादा पद याद कर चुके हैं। साल भर में जब एक बार इसकी टेस्टिंग होती है तो खाना दोपहर के संडे दोपहर के खाने के बाद 1 बजे बैठ जाते हैं तो शाम को 5-5, 6-6 बजे तक वो लोग पद सुनाते रहते हैं। और ऐसे बच्चे जो 500 से अधिक पद याद कर चुके उनकी संख्या तो और भी ज्यादा है। इसलिए असंभव नहीं है, संभव है। और इसलिए ये बच्चों के ऊपर कोई अनावश्यक भार नहीं थोपा जा रहा है, बल्कि बच्चों को उनका जो प्रभु ने उनको जो स्मरण शक्ति दी है उसका सही उपयोग देने के लिए आत्मिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं जो बात बता रहा था वो यह है कि ना केवल आप प्रभु के वचन से चुने हुए पद उनको याद दिलाएं, बाइबल की 66 पुस्तकों का नाम याद दिलाएं, उसको उत्पत्ति से लेकर
प्रकाशित वाक्य तक ही नहीं, प्रकाशित वाक्य से उल्टा भी बोलने के लिए उनको ट्रेनिंग दे, उसके साथ साथ कंपलसरी बच्चों को जो ट्रेनिंग देनी है वो है 10 आज्ञाएं उनको याद दिलाइए। जितने वो मतलब जितने जल्दी आप याद दिलवा सके उतना ही अच्छा है। इसका कारण यह है 10 आज्ञाओं में से 9 आज्ञाएं व्यवस्था के खंड 3 से आई हैं। ये शाश्वत नियम है, प्रभु के द्वारा बनाए गए शाश्वत नियम है। हर समाज, हर समय और हर काल में हमें ये शाश्वत नियम याद रखने चाहिए। 10 में सिर्फ 1 आज्ञा है जो यहूदियों के सामाजिक और आत्मिक जीवन से संबंधित था, वो हमारे ऊपर आज प्रभावी नहीं है, लेकिन ये एक नियम प्रभु ने जानकर 10 आज्ञाओं के साथ रखा है, 9 शाश्वत नियमों के साथ एक सामाजिक जीवन प्रभु ने इसलिए रखा है जिससे कि जब माँ बाप अपने बच्चों को 10 आज्ञाएं याद दिलाएं, या जब एक मसीही व्यक्ति, नया मसीही व्यक्ति इन 10 आज्ञाओं को याद करे, तो इन 9 आज्ञाओं के साथ साथ वो एक 10वीं आज्ञा को याद कर ले जो आज उसके ऊपर प्रभावी ना होते हुए भी उसके जीवन के लिए, उसके सांसारिक, शारीरिक और आत्मिक जीवन के लिए एक बहुत उपयोगी दिशा देता है। ये कौन सा नियम है? सबत का जो दिन है उसे मानने के बारे में। जब हम विश्राम दिन या सबत के दिन के बारे में उस पद पर आएंगे तब हम उसके बाकी डिटेल्स देखेंगे। पिछले 4 हफ्तों में हमने, परमेश्वर ने डायरेक्टली जो आज्ञा दी, जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, निर्गमन 20वें अध्याय से हम अध्ययन कर रहे हैं। निर्गमन 20 याद रखें, इन पदों को यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं करेगा। मैंने अनुरोध किया था कि जब हम प्रभु के वचन के सामने बैठते हैं तब प्रभु का वचन अपने हाथों में लेकर बैठें। ये ना सोचें अरे जूम है, जूम के सामने कैसे भी बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है, कोई देखता नहीं है। सी, इन दोनों में बहुत फर्क है। कोई मनुष्य देखता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हाथ में बाइबल नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको संदेश दे रहा हूं। मेरे अगल बगल में बाइबल्स की भरमार है, और आप इस बात को नोट करेंगे कि जब मैं प्रभु के वचन के पदों को पढ़ूंगा तो सामने की ओर देखकर पढ़ता हूं, क्योंकि मैं आपको जो संदेश दे रहा हूं ये कंप्यूटर स्क्रीन पर दे रहा हूं, और मेरे सामने प्रभु का वचन खुला हुआ है, उससे मैं पढ़ रहा हूं। और चूंकि मैं कंप्यूटर बहुत यूज करता हूं, प्रभु का वचन हमेशा इसके ऊपर ओपन रहता है। तो इस बात को याद दिला दूं, जूम ने हमारी आदतें बिगाड़ दी हैं, और लोग पदों को पोस्ट और करते हैं तो आदतें और बिगड़ जाती हैं कि अरे क्या बाइबल खोलना, सामने देख लेंगे। जी नहीं, इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को पोस्ट ना करें। ज्यादा से ज्यादा यदि मैंने बोला निर्गमन अध्याय 30, तो जो मेरी मदद करते हैं वे लोग पोस्ट कर दें निर्गमन 20, जिससे कि यदि कोई सुनने से रह गया हो तो वो देख ले कि निर्गमन 20 के बारे में कहा गया है। कोई भी पद पोस्ट करने से मैंने मना किया है। कृपा करके जो लोग पहली बार आए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, और जो लोग नियमित रूप से आते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, बाइबल हाथ में ना हो, अन्य लोग नहीं देखेंगे, प्रभु देख रहे हैं। बाइबल हाथ में हो तो हमारा जो नजरिया है वो बदल जाता है। ओके, निर्गमन 20 स्टार्ट होता है, तब परमेश्वर ने ये वचन कहे, 10 आज्ञाएं डायरेक्टली परमेश्वर ने कही। परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर की पट्टियों पर लिख कर दिया।
कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहे तो डिक्टेट कर सकते थे, पुराने नियम की व्यवस्था कंप्लीट तो परमेश्वर ने डिक्टेट की है, डिक्टेट से मेरा मतलब है परमेश्वर ने मूसा को दिया, लेकिन 10 आज्ञाएं सुनो और लिखो कहने के बदले परमेश्वर ने खुद लिख कर दिया। इसका कुछ ना कुछ तो महत्व होगा, इस बात को याद रखें। जब मेरे घर में कोई आता है, बातचीत करने के बाद जब वो चला जाता है, मैं दरवाजे पर खड़े होकर टाटा करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बातचीत करने के बाद प्रार्थना करके घर के बाहर जाते हैं, तो बाकायदा मैं उनके साथ घर के बाहर जाता हूं, मैं स्वयं फाटक खोलता हूं, मैं स्वयं फाटक पर खड़े होकर उनसे बाय बाय करता हूं। इन दोनों में बहुत फर्क है, एक अंतरंग संबंध को दिखाता है, एक जस्ट ऐसा ही कोई संबंध है उसको दिखाता है, एक व्यक्ति के महत्व को दिखाता है, एक व्यक्ति की महत्वहीनता को दिखाता है। इसी तरह से जब परमेश्वर ने अपने स्वयं की उंगली से पत्थर पर लिखा तो इस बात को याद दिलाता है कि व्यवस्था में ये जो 10 आज्ञाएं हैं ये इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हमें उसका महत्व समझकर उसका अध्ययन करना चाहिए, अपने बच्चों को याद दिलाना चाहिए। पहली आज्ञा ये थी, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। दूसरी आज्ञा 7वें पद में हम देखते हैं, ये जो शुरू के 4 पद है, और आज इतना समय हमने विषय के इंट्रोडक्शन में इसलिए लगाया क्योंकि 10 आज्ञाओं का महत्व मेरे प्रिय भाइयों बहनों हम भूल गए हैं। जब कोई मसीही व्यक्ति बाय गॉड, भगवान कसम, बहुत मसीही लोग बोलते हैं, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं, तब इस बात को भूल जाते हैं कि हम किस तरह से प्रभु के वचन का लंघन कर रहे हैं, क्योंकि हम 10 आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेते। हाँ गब्बर सिंह, पद पोस्ट करने के लिए शुक्रिया, आइंदा नहीं करना है। हर व्यक्ति को इस बात की अनुमति दें कि वे अपने बाइबल को खोलकर बाइबल से पढ़ें, सिर्फ रेफरेंस पोस्ट करना, यदि मैंने कहा 7 तो पोस्ट कर दो निर्गमन 20:7, पद पूरा पोस्ट नहीं करना है। ये मैं जहां भी क्लास ले रहा हूं, अंग्रेजी में, हिंदी में और मलयालम में, सब जगह ये मैं अनुरोध करता जा रहा हूं, क्योंकि 1 साल जूम पर, 1 साल में लोगों का जो सामाजिक व्यवहार बदल गया है उसके आधार पर मैं ये नया अनुरोध सबसे कर रहा हूं। निर्गमन 20:7 में हम अगली आज्ञा देखते हैं, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। व्यर्थ लेते हैं क्या? आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो कहां, कौन व्यर्थ लेता है? उसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था, बाय गॉड, भगवान कसम, हिंदी भाषी इलाकों में ये दोनों जो एक्सप्रेशन है बहुत सुनाई देता है। हो सकता है आप ना लेते हो, आप ना बोलते हो, लेकिन ये मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये कॉमन है। और जब कोई गैर मसीही आपसे कहता है कि सच में तुमने किया क्या, तो अचानक इच्छा हो जाती है बोलने की कि भगवान कसम। एक मसीही पहली बात प्रभु का नाम, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। नंबर 2, एक मसीही के लिए प्रभु के वचन का नियम है, प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना। तुम हाँ बोलो तो वह हाँ, और ना बोलो तो ना। ये किस तरह का नियम है? ये मसीहियों के लिए एक शाश्वत नियम है। आप पूछेंगे
मसीही गैर मसीहियों के लिए फर्क है क्या? जी हाँ, कुछ नियम ऐसे हैं जो शाश्वत हैं लेकिन मसीहियों के लिए है, प्रभु यीशु के परिवार के अंग होने के कारण, प्रभु यीशु के शरीर के अंग होने के कारण हमारी जो आइडेंटिटी है वो बदल चुकी है। और कुछ शाश्वत नियम प्रभु का वचन जो हमको देता है, ये शाश्वत नियम उन लोगों के लिए है जिनकी आइडेंटिटी, जिनकी पहचान बदल गई है। बहुत सारी चीजें होती हैं आइडेंटिटी के आधार पर। मैं एक अध्यापक रहा, जीवन भर अध्यापक रहा, आज भी अध्यापक की आत्मा मेरे सर पे चढ़कर बोलती है। एक स्कूल में, एक कॉलेज में एक अध्यापक एक विद्यार्थी से कह सकता है कि कल होमवर्क की कॉपी ले आना, नहीं तो क्लास में घुसने नहीं दूंगा। उसी विद्यालय में काम करने वाला, ऑफिस में काम करने वाला या कोई पियून या आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि वो मेरी जो नई, मेरी जो आइडेंटिटी है उस पर डिपेंड करती है, सिर्फ अध्यापक ही दे सकता है। शास्त्री जगवीर सिंह जी और दीपू, हाँ इवन हमारे सीनियर ब्रदर रणजीत, ये सब मेरे अंडर बाइबल स्कूल में पढ़े हैं, और आप इनसे पूछेंगे तो ये लोग बताएंगे कि मैं बहुत अधिक, सीमा से ज्यादा इन लोगों से प्रेम करता था, सीमा से ज्यादा। बल्कि उनको ये भी याद होगा, रणजीत जैसे जो सेवक है उनको ये भी याद होगा कि इवन जब मैं क्लास में, मैं जब उनको पढ़ाता था तब पासबुक उन लोगों के हाथ में दे देता था, छुपा कर नहीं रखता था। पैसा निकालना हो ये लोग जाके मेरे लिए निकाल के लाते थे, इतना स्नेह करता था। पढ़ाता था तब उनसे बहुत मजाक करता था, जस्ट जैसे ही फूहड़ तमाशा नहीं, उनको सही ट्रेनिंग देने के लिए इस तरह के जोक्स बोलता था। लेकिन अच्छा, और मैं कभी जोर से नहीं बोलता था। मुझे लगता है मेरे विद्यार्थियों में से किसी ने कभी मुझे जोर से बोलते नहीं देखा है। ये जो आवाज जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूं, इस आवाज से ज्यादा उन्होंने कभी नहीं सुना है। लेकिन जब इन लोगों को जो पद याद करने के लिए कहा जाता था, जब वे याद नहीं करते थे या गलत याद करके आते थे, तो मैं इमीडिएटली कहता था कल 10 बार लिख के लाना। अगले दिन यदि फिर गलती की या लिख के नहीं लाए तो मैं कहता था 25 बार लिख के लाना। फिर गलती हुई 50 बार, और चौथी बार मैं यदि तीसरी बार फिर गलती हुई तो मैं कहता था 100 बार लिख के लाना। पूछिए उनसे मैं करता था या नहीं करता था। ये उस कॉलेज में मेरी, मेरा जो ओहदा है या मेरी पहचान है, उसके कारण ये मेरे लिए शाश्वत आजादी की बात थी। इसी तरह से शाश्वत नियम भी हैं जो मसीही यीशु से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ शाश्वत नियम एक्स्ट्रा हैं। इस बात को कभी हम ना भूलें। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 याद दिलाता है, यदि कोई मसीह में है, उसका अनुवाद इस तरह से भी किया जा सकता है, जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, तो उस नई सृष्टि के लिए भी कुछ शाश्वत नियम है। और इस कारण जब हम एक गैर मसीह से बात कर रहे हैं और वो कहता है कि कसम खाओ, तो हमें भगवान कसम, तुम्हारी कसम, मां कसम, बाप कसम, ये सब छोड़कर
इस बात को याद रखना चाहिए, प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है, तुम हाँ करो तो वहां और ना करो तो ना हो। उसके साथ साथ तो ये सब शाश्वत नियम है। भगवान कसम, बाय गॉड मैं सच बोल रहा हूं, गलत बात है। प्रभु का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। मैं इन दिनों हाँ मध्य प्रदेश में भाई रंजीत जिस बिल्डिंग में रहते हैं मैं उस बिल्डिंग में रहा हूं। बीएससी की पढ़ाई मैंने वहीं की, एमएससी की पढ़ाई वहीं की, नौकरी वहीं की। वहां पर हम इन चीजों को नहीं देखते हैं, मतलब मध्य प्रदेश वगैरह में। लेकिन 25 साल पहले मैं स्वास्थ्य के कारण से दक्षिण में शिफ्ट हो गया और यहां जहां देखो वहां परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हुए दिखता है। क्यों? यहां की 20% जनता ईसाई है, विश्वासी नहीं कहा मैंने, इस बात को याद रखे, ईसाई है। यहां तमाम सारे कॉलेज है जिनका नाम है जीसस कॉलेज या जीसस एंड मेरी कॉलेज। अरे जीसस संसार के, इस विश्व के सृष्टिकर्ता जिन्होंने एक सांस में इस पूरे विश्व की रचना कर दी, आप उसका नाम मनुष्य द्वारा बनाए गए कॉलेज जिसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है या लूट है, आप उसका नाम जीसस या जीसस एंड मेरी रख रहे हैं। केरल में प्रत्येक एक विशेष बात है, यहां सरकारी बसें भी होती है, प्राइवेट बसें भी होती है। प्राइवेट बसों की एक आदत है, हर बस का एक नाम होता है, उसके पीछे बहुत प्रैक्टिकल कारण है। यदि मान के चलिए कि किसी बस का नाम है आनंद या जॉनसन या प्रकाश, तो आप बस स्टैंड पर जाकर खड़े होते हैं तो तुरंत आप पूछते हैं प्रकाश चला गया है। आपके साथ खड़े हुए लोग ये समझ जाते हैं कि आप किस बस की बात पूछ रहे हैं और वो तुरंत कहते हैं कि नहीं, प्रकाश के आने में अभी 5 मिनट और देर है। हर बस का अपना नाम होता है। अफसोस की बात यह है कि ईसाई लोग जो बस चलाते हैं उसमें से कई बसों का नाम है जीसस। आप धंधा कर रहे हैं और आपके धंधे का साधन है ये बस, ठीक है, लेकिन उस बस का नाम जीसस डालकर आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। मैं जो यहां जो रह रहा हूं, यहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर काकनाड़ नाम की एक जगह है, एक बार वहां मैं गुजर रहा था तो देख के आंखें फटी रह गई। मुझे लगा कि कुछ तो गलत फहमी हुई है। आज से 20 साल पहले की बात है, 20-22 साल पहले की बात है, मैं किसी बाइबल स्कूल में क्लास लेने के लिए जा रहा था, मैंने मोटरबाइक रोक दी, देखा आटा मिल, नाम क्या है, जीसस आटा मिल। दिन में 1000 बार 10,000 बार लोग उसे देखते हैं, जीसस आटा मिल, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। मुझे लगा कि बाप रे ये तो अति हो गई। उसके बाद यह एक पहाड़ी इलाका है जिसको हाई रेंज कहा जाता है। एक बार वहां जाने का, मैं कई बार जा चुका हूं, प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए कई बार जा चुका हूं। पहली बार गया तो बस एक जगह रुकी तो मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। वहां बाकायदा एक शराब की दुकान थी, जिस तरह से अपने उत्तर भारत में ठेका शराब
ठेका भांग वगैरह होता है, केरल में भी इस तरह के ठेके होते हैं, तो ठेका शराब, कोई ताज्जुब नहीं हुआ। लेकिन उसके ऊपर जो लिखा था वो क्या था ये भी जरा सुन लें, ख्रिस्तु मतलब यीशु ख्रिस्त, मलयालम में उसको ख्रिस्तु बोलते हैं, ख्रिस्तु कृपा शराब का ठेका। मतलब अब आप शराब का ठेका चला रहे हैं और आपके कहने का मतलब यह है कि उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मैंने ये जो दो चार कान खोलने वाले आंख खोलने वाले उदाहरण आपको इसलिए दिए हैं कि मेरे आपके प्रतिदिन के जीवन में इस तरह के बहुत सारे मौके आते हैं जब हम लापरवाही से परमेश्वर का नाम लेते हैं। अरे किसी के साथ चर्चा हो रही है, आप कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, आप प्रभु यीशु के बच्चे हैं, आपकी एक नई पहचान है, आइडेंटिटी है, आपको प्रभु ने दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में याद दिलाया है कि एक नया ओहदा, एक नई सृष्टि होने के कारण एक नया ओहदा, नया पोजीशन आपको दिया गया है। उस नए पोजीशन की के लिए प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुंह से ये शाश्वत नियम दिया था कि तुम हाँ बोलो तो वो हाँ हो, ना बोलो तो ना हो, और आप व्यर्थ में प्रभु का नाम लिए जा रहे हैं। जब एक गैर मसीही आपसे कहता है खाओ भगवान कसम, तो ये तो बहुत अच्छा अवसर है जब आप उसको बताएं कि प्रिय भाई मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूं, अनुयायी हूं, दास हूं, बच्चा हूं, और प्रभु की आज्ञा है कि मैं यदि हाँ बोलो तो वो हाँ हो और ना बोलो तो ना हो। या आप उसको चाहें तो एक और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, खासकर मसीही लोगों को इस शब्द का उपयोग अब और अधिक करना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मेरे इष्ट देव हैं। मेरे प्रभु हैं का हिंदी रूप है, प्रभु यीशु मेरे इष्ट देव हैं, मेरे इष्ट देव की आज्ञा है कि मैं हाँ बोलूं तो वो हमेशा हाँ रहे, ना बोलूं तो ना रहे। इस तरह से उस व्यक्ति के साथ चर्चा का अवसर खोलिए, अपने अपना आपको जो प्रभु ने जो नया ओहदा दिया है, जो स्थान जो पोजीशन दिया है उसे व्यक्त कीजिए। प्रभु का नाम उस गैर मसीही के सामने भी व्यर्थ मत लें। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, इसका उल्लंघन जाने या अनजाने मसीही लोग बहुत करते हैं, खासकर ऐसे समाज में, ऐसे ऑफिस में या ऐसे स्कूलों में कॉलेजों में जहां पर बाय गॉड मैं सही कह रहा हूं भगवान कसम, जिस कॉलेज में स्कूल में ऑफिस में इस तरह की बातचीत होती है, इस तरह के यूसेज होते हैं, वहां अनजाने हो सकता है हमारे मुंह से भी आ जाए। हो सकता है कि आपका बॉस कहे कि दफ्तर में चोरी हुई है, आप भगवान का नाम लेकर बोलिए कि आपने नहीं किया है, तब आपको ये स्पष्ट बोलना चाहिए मैं जो हाँ बोलता हूं वो हाँ है और ना बोलता हूं ना है। यदि आपका बॉस कहे कि नहीं, प्रभु का नाम लेके बोलो, तो उसका मतलब यह है कि उस दफ्तर में साल भर या 10 साल या 20 साल काम करने के बावजूद आपके दफ्तर के लोग इस बात को नहीं समझ पाए हैं
कि आपने यदि एक बार हाँ बोल दिया तो उसका मतलब वाकई में हाँ है, और यदि आपने एक बार ना बोल दिया तो उसका मतलब वाकई में ना है। जब इस तरह के अवसर आते हैं तब हमको ना केवल परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, बल्कि हमें अपने स्वयं की गवाही को भी जांचना है कि क्या इस दफ्तर में इतने साल काम करने के बाद मेरी गवाही सही है, क्या वे लोग समझ पाए हैं कि यदि मैंने बोल दिया कि ये बात ऐसी है तो ऐसी ही है। मैं यहाँ जो बैठा हुआ हूं, यहां से लगभग 35 किलोमीटर दूर मेरी वाइफ का गांव है, उस इलाके में एक भाई हुए थे आज से बहुत साल पहले। उनके बारे में बहुत लोगों ने, मेरी वाइफ ने, मेरी मदर इन लॉ ने, इन सब लोगों ने उनके बारे में बताया, जिसका सारांश यह है, 40 साल की उम्र में वो भाई गुजर गए। सारांश यह है कि उस देश में उस भाई की, उनका नाम था सी टी मथाई, मथाई मत्ती का मलयालम फॉर्म है, सी टी मथाई, या यहां जिस तरह से कहते हैं सी टी मथाई चेन, मतलब सी टी मथाई साहेब। जो व्यक्ति 40 साल की उम्र में गुजर गया, जिसका मतलब है जवानी में गुजर गया, जवानी में उस व्यक्ति की गवाही इतनी थी कि यदि पुलिस उस गांव में आती थी तो सीटी मथाई से पूछते थे और उन्होंने बोल दिया कि नहीं, फलाना आदमी चोर नहीं है, तो पुलिस किसी और व्यक्ति से कुछ नहीं पूछती थी, वापस चली जाती थी। यह है गवाही, यह है एक मसीही की गवाही। तो यदि आपके दफ्तर में आपसे ये बातें कही जाती हैं और आपको यदि बाय गॉड बोलने के लिए जोर दिया जाता है, तो आप ही पूछिए, सोचिए अपने आप से कि आपकी गवाही क्या है। इसके साथ आगे एक पोर्शन है जिसका विस्तार मैंने नहीं किया क्योंकि वो अपने आप में स्वयं की व्याख्या करता है। आगे निर्गमन 20 के साथ का दूसरा पोर्शन, जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह, मतलब परमेश्वर, उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। जिसका मतलब यह है कि अनावश्यक रूप से यदि हम प्रभु का नाम लेंगे तो ना केवल हम प्रभु के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं, हम दोषी ठहराए जाएंगे। हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु का नाम लापरवाही के साथ लेते हैं, जो कभी इस बात को याद नहीं रखते कि प्रभु का नाम लापरवाही से लेने की बात नहीं है। और यदि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, यदि उस समाज में अवसर आता है तो हमें कतई प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमारी गवाही ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु का नाम व्यर्थ लेने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हमारी जो नई आइडेंटिटी है, हमारा व्यवहार उस आइडेंटिटी के हिसाब से होना चाहिए। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है, 10 आज्ञाओं में ये आज्ञा एक, जो 9 शाश्वत नियम है उनमें से एक शाश्वत नियम है। इसको समझने के लिए, हमारे बच्चों को ये ट्रेनिंग देने के लिए और बच्चों के सामने एक आदर्श इस मामले में रखने के लिए, हमारे दफ्तर में एक आदर्श रखने के लिए, हम जिस समाज में हैं वहां एक आदर्श रखने के लिए, प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें।
बस हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।